आराम से अभी इसे तुमको बोलेंगे सुनेगी कैसे ही रोएगा तो आराम से रखो अभी आराम से रखो। अरे क्या हो गया अभी ना बचपन में जो पांच तरह का खतरनाक बीमारी होता है फर्स्ट डोज उसी दिन पड़ता है पेंटा रोटा भी जो दे रहे हैं इसमें और अभी इसमें जो हम लोग पेंटा लगाएंगे उससे पांच तरह का जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए बच्चा को दिया जाता है और पोलियो तो जानती है पोलियो क्या चीज है रोटा पेट के लिए इन्फेक्शन होता है वो उतना तुम लोग नहीं जान पाओगे लेकिन ये जान लो कि बचपन में जो खतरनाक बीमारी रहता है वो बचाने के लिए दिया जाता है ये वैक्सीन फर्स्ट डोज है ये। और ये वैक्सीन देने के बाद बुखार आ भी सकता है नहीं भी बुखार आएगा तो घबराना नहीं है। हम लोग जो पैरासिटामोल का सिरप देते हैं देखो सिरप भी देंगे ये पैरासिटामोल का सिरप तुमको पहले इसीलिए बता दे रहे सुई देने के बाद तेरा बच्चा रोएगा तो तुमको ध्यान तो बच्चा पे रहेगा इसलिए पहले सुन लो इसको बुखार आएगा तो इसमें आधा ML लिखा रहा है आधा ML सुबह शाम इसको देना है ठीक है बुखार आएगा तो। और ये जब अगला बार कब आओगी जब सहिया तुमको बोलेगी अगला महीना उसी टाइम तुमको आना खबर हो जाएगा। और कार्ड जो है तुम सुरक्षित रखना जब भी आंगनबाड़ी आओगी कार्ड को साथ में लेके आना और कहीं पर भी जाओगी जैसे इसका मायके ससुराल कहीं पर भी जाओगी जिस तरह से पैसा को नहीं भूलती हो उसी प्रकार से कार्ड को भी नहीं भूलना अपने साथ लेके जाना है ठीक है। और सुई इसका छूटना नहीं चाहिए इसीलिए बोलते कार्ड हमेशा अपने साथ लेके जाना स्टार्ट करते हैं ठीक है। और अभी हम लोग इसको IPV इंजेक्शन लगा रहे हैं राइट बाह में लगाएंगे और इंट्रा ड्रमल में रहेगा तो सबसे पहले बच्चों को पोलियो पिलाने के बाद इंट्रा जितना भी है रोटा पिलाने के बाद इंजेक्ट करने वाला वैक्सीन में सबसे पहले आपको IPV इंजेक्शन देना है क्योंकि ये इंट्रा डर्मल में दिया जाता है तो यानी इंट्रा डर्मल यानी स्किन पे तो ये बहुत सावधानी से दिया जाता है इसीलिए बच्चे को यानी हिल डुल नहीं करे इसीलिए सबसे पहले आपको IPV इंजेक्शन इंट्रा डर्मल में लगाना जो 15 डिग्री पे दिया जाता है तो किस तरह से देना है ये बात देखिए। एकदम धीरे से करना है और वैक्सीन लगाए गए स्थान पर सेक नहीं करना है आग से गर्म पानी से सेकाई नहीं करना है बर्फ से अगर गांठ पड़ता तो बर्फ से फिर यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ पे इसको लगाएंगे PCV तो अभी इसको हम लोग PCV देंगे IPV देने के बाद PCV राइट थाई में और थाई में देने का भी एक तरीका होता है ये बाहरी जांग के बाहरी हिस्से में दिया जाता है दे इसको 90 डिग्री पे देंगे इसी तरह से दाहिने बांध लेफ्ट साइड में हो गया बैठो तुरंत नहीं जाना और वैक्सीन लेने के बाद तुरंत लाभार्थी को नहीं भेजना है कम से कम आधे घंटे तक आपको बैठने के लिए बोलना है आधे घंटे तक आपको देखना है किसी प्रकार का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है तो तुरंत वैक्सीन देने के बाद नहीं भेजा जाता है आधा घंटा वेट करिए वेट एंड वॉच पे इसको रखना है और इसके बाद ही उसको भेजना है। और पूरी तरह से ये है पेंट्रा IPV और PCV और पोलियो इस तरह से इसको चार तरह का वैक्सीन आज दिया गया और जो ड्यू रह गया उसको नेक्स्ट में हम लोग मैनेज करेंगे।